नमस्ते, मेरा नाम उमेश मोदक है, ये मेरा सिस्टर है। हम लोग आसनसोल, वेस्ट बंगाल का आसनसोल से आया है। मेरा सिस्टर का गॉल ब्लैडर में स्टोन था और सीबीडी में स्टोन था, तो हम लोग 6 महीने से परेशान था। आसनसोल में दिखाया, वहाँ कुछ हुआ नहीं। फिर वहाँ से दुर्गापुर गया, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। फिर वहाँ से कलकत्ता भी गया, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ आदमी बोला कि ये गैस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम ये हैदराबाद में बेटर होता है। फिर हम लोग हैदराबाद में आया, सिकंदराबाद स्टेशन में उतरा, वहाँ से हाईटेक सिटी में आया। फिर पेस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ हम लोग का रिपोर्ट देखा डॉक्टर गोविंद वर्मा सर, रिपोर्ट देख के बोला हाँ ये वाला हो जाएगा। हम लोग ट्यूसडे को भर्ती हुआ और वेडनेसडे को गॉल ब्लैडर और सीबीडी दोनों ऑपरेशन हो गया। यहाँ का डॉक्टर और बाकी जो सिस्टम है, जो हर चीज़ बहुत अच्छा है। नमस्ते, मेरा नाम उमेश मोदक, ये पेशेंट मेरा सिस्टर है। हम लोग वेस्ट बंगाल का आसनसोल से आया है। उनका सीबीडी में स्टोन था और गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो आसनसोल में हम लोग डॉक्टर दिखाया, वहाँ कुछ हुआ नहीं। फिर दुर्गापुर गया, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। कलकत्ता गया, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर मेरा मोहल्ला का कुछ आदमी बोला कि ये वाला ट्रीटमेंट हैदराबाद में बेटर होगा। फिर हम लोग हैदराबाद आया, सिकंदराबाद में उतरा, वहाँ से हाईटेक सिटी मेट्रो में आया। फिर पेस हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर गोविंद वर्मा सर से मुलाकात हुआ, वो रिपोर्ट देखा, बोला हाँ ये हो जाएगा। हम लोग ट्यूसडे को भर्ती हुआ, वेडनेसडे को ऑपरेशन हो गया, दोनों सीबीडी और गॉल ब्लैडर दोनों ऑपरेशन हो गया। अभी पहले से मेरा सिस्टर बहुत बेटर फील कर रहा है, अभी बहुत अच्छा है और अभी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सीबीडी में 130 स्टोन था और गॉल ब्लैडर में 20, सब बाहर आ गया। अभी मेरा सिस्टर बहुत बेटर है।